सो हे गाइस, आज की इस नए वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। गाइस थंबनेल देख के तो आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। गाइस आप जैसा कि देख सकते हो, मेरे पास एक बाल्टी है और यहाँ पे मेरे पास 6 इंच का ड्राइवर है जो कि वूफर है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास पर्दा वर्दा पूरा कंप्लीट स्पीकर का है जो सेट है। और इस बाल्टी के साथ हम क्या करने वाले हैं आप देख सकते हो गाइस, ये 2 kg का बाल्टी है, पेंट का डिस्टेंपर जो हमारे घरों में लगता है दीवारों पर। तो गाइस इसी के अंदर हम लोग जो हमारा नया प्रोजेक्ट है 3-in-1 प्रोजेक्ट होने वाला है गाइस, तो वीडियो को पूरा दिखेगा। और उससे पहले गाइस एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो के लिए, और चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो गाइस करने के वाले गाइस हम कि गाइस ये बाल्टी लेना है और इसके ऊपर ये स्पीकर को बना के कंप्लीट करके इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से रख देना है। और उसके बाद गाइस क्या हमारा होगा क्या कि ये हमारा ट्यूटर भी काम कर सकता है, मिड रेंज में भी काम कर सकता है और वूफर में भी काम कर सकता है। तो ये गाइस 3-in-1 होने वाला है। और इसके लिए गाइस हमें कैबिनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, गाइस मैं इसमें लगाई दे रहा हूँ कैबिनेट, तो फिर कैबिनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये अच्छा खासा एक म्यूजिक सिस्टम बन जाएगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस हम क्या करेंगे गाइस, अब इस स्पीकर को जो हम लोग अपने बना लेते हैं, इसमें पर्दा वर्दा और कॉइल स्पाइडर सब चीज़ इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस इसको जो हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे गाइस इसमें हम लोग इंस्टॉल करेंगे, किस तरह करना है, किस तरह ये हमारा जो स्पीकर रहेगा इसके ऊपर जो फिक्स हो जाएगा कैसे होगा वो सब इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पूरा वॉच कर लीजिएगा। चलिए गाइस इस स्पीकर का जो है हम लोग बना लेते हैं। सो गाइस देख सकते हैं मैंने कॉइल और स्पाइडर को जो है अच्छे तरीके से मैंने फिक्स कर लिया है, और इसका जो सेटिंग है कॉइल का होता है जो वो भी मैंने अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब क्या करते हैं गाइस इसके ऊपर का पर्दा लगा लेते हैं, और उसके बाद इसको सूखने के बाद हम लोग जो 2 kg का जो डिस्टेंपर का डब्बा है उसके अंदर हम लोग फिट करते हैं, और फिर इसके बाद लास्ट में आपको टेस्टिंग दिखाते हैं किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो चलिए गाइस फटाफट से इसे भी कर लेते हैं। देख सकते हैं हमने जो पर्दा भी इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया है। अब क्या करना है गाइस, हमें कनेक्शन करना है, और अब देख सकते हैं गाइस मेरा जो कॉइल का जो वायर है पॉइंट है ये इसी तरफ है जहां हमारा कनेक्शन दिया हुआ था। गाइस इसमें मैं क्या करूंगा, ये वायर जम्पर वायर लगा के इसको जो है कनेक्शन कर दूंगा, इसके ऊपर डस्ट कैप भी लगा दूंगा, उसके बाद मैं इसके अंदर जो है इंस्टॉल करूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि इसका कैसा परफॉर्मेंस है और ये 3-in-1 कैसे काम करेगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए गाइस देख सकते हैं जो हमारा जो स्पीकर है वो एकदम कंप्लीट हो गया, और ये एकदम मस्त से जो है वर्क कर रहा है बिना किसी परेशानी के। और देख सकते हैं गाइस मैंने इसमें कनेक्शन भी कर दिया जिससे कि जो हमारा टाइम है वो बच जाए। और अब चलते गए इसको बताते हैं कि इस पर हम लोग किस तरीके से इसके अंदर जो स्पीकर जो हमारा फिट होगा। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे चारों कोना इसका एक नट कसने वाला जो हमारा होता है पॉइंट वो है, तो मैंने क्या किया इसे प्लेयर की मदद से इसे मोड़ दिया है जिससे कि ये जो हमारा जहाँ पे निशान लगाया हूँ मैं यहाँ पे मैं जो सोल्डिंग आयरन की मदद से यहाँ पे छेद कर लेंगे हम लोग, और उसे अंदर की तरफ ये जो हमारा पॉइंट है ये अंदर की तरफ चल जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे अंदर से मोड़ देंगे जिससे कि ये चारों कोने से अच्छे तरीके से इस बॉक्स के अंदर फिट हो जाएगा। तो चलिए गाइस मैं इसे फटाफट से कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ से वायर निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद इसे एम्पलीफायर से कनेक्ट करके इसका जो साउंड टेस्टिंग है 3-in-1 वाला जो मैंने आपको बताया था वो आपको टेस्ट करके सुनाता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कट लगा दिया चारों तरफ, जो हमारा कट है वो लग गया है। अब क्या होगा गाइस, ये जो हमारा पॉइंट देख रहे हैं ये हम लोग को इसके अंदर फंसा देना है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा ग्लू की मदद से इसे चिपका दूंगा। तो चलिए गाइस इसे भी फटाफट से कर लेते हैं। गाइस देख सकते हैं लास्ट में भी मैंने इसमें होल कर दिया जिससे कि जो हमारा लीड है ये निकल सके। तो चलिए गाइस इसे फटाफट से कर लेते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से बिल्कुल इस डब्बे में जो है फिट हो गया, और कहीं से भी इसमें जो गैपिंग है नहीं है जिससे कि हमारा जो एयर निकल सके। और हाँ गाइस इसके पीछे आप चाहें तो जो हमारा एयर निकलने के जो पोर्ट होता है वो भी बना सकते हैं, तो गाइस वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं। और इसके अंदर भी प्रोटेबल टाइप का बनाऊंगा जिससे कि हम लोग कहीं जाएँ घूमने तो वहाँ बजा सकें। तो ये इसके अंदर बैटरी एम्पलीफायर सब चीज मैं फिट कर दूँगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप जब कमेंट करेंगे तब मैं उसके लिए उसके ऊपर भी वीडियो मैं बना दूँगा। चलिए गाइस पहले इसे फिट कर लेते हैं और इसकी जो टेस्टिंग है मैं आपको सुनाता हूँ। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैंने जो है एम्पलीफायर से कनेक्ट कर दिया है। गाइस आप देख सकते हो गाइस मेरे पास 7294 है, और इसमें जो है मैं बास टेबल बोर्ड लगाया हुआ हूँ, और ये इस पावर सप्लाई बना के अच्छे से ये बहुत ही मस्त काम करता है। गाइस चलिए खैर इसको तो बाद में देखा जाएगा, गाइस पहले इस पर आते हैं। गाइस देख सकते हैं मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है एम्पलीफायर से, और देख सकते गाइस मैंने इसमें होल भी कर दिया क्योंकि गाइस ये जो है 6 इंची का था तो मुझे लगा कि होल करना जरूरी रहेगा, तो मैंने होल कर दिया इसीलिए क्योंकि इसमें से एयर निकलना भी बहुत जरूरी होता है और अच्छा खासा बेस ये प्रोड्यूस कर रहा था। चलिए गाइस हम जो क्या करते हैं एक एनसेस जो सॉन्ग जो है प्ले कर लेते हैं। मैं गाइस कैमरे को जो होल्ड करता हूँ फिर आपको उसका टेस्टिंग दिखाता हूँ बढ़िया से। सो
सो गाइस अब मैं जो वॉल्यूम को इंक्रीज करूंगा और ये पन्नी भी लगा के दिखाऊंगा कि इतना कितना अच्छा ये बेस जो है प्रोड्यूस कर रहा है। तो चलिए गाइस देखते रहिएगा। सो गाइस देख सकते हैं कितना अच्छा जिसका जो पंच है वो आ रहा है। चलिए गाइस इसका जो ईयर जहाँ से निकलता है वहाँ से मैं आपको इसका टेस्टिंग करा देता हूँ। सो गाइस जिस इतना तेज हवा इसमें से निकल रहा है कि ये पन्नी ठहर ही नहीं रहा है। तो गाइस ये बल्टी स्पीकर आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और स्पीकर के लिए गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा गाइस इस तरह साउंड सिस्टम रिलेटेड वीडियो के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।